बता देता हूँ कि जो ऑनलाइन गेमिंग खेलते हैं ना, वो लाइफ में रिस्क उठाने से डरते नहीं है और बहुत जल्दी डिसीजन लेते हैं। क्योंकि आप जब ऑनलाइन गेम खेलेंगे तो आपको पता लगेगा कि वहां पर क्विक डिसीजन लेना पड़ता है, नहीं तो आप मर जाओगे। ऐसे काउंटर स्ट्राइक और ये सब जो गेम होते हैं, पबजी उनमें यही होता है। अगर आप लोगों ने क्विक डिसीजन नहीं लिए, इधर जाना है कि उधर जाना है, किधर जाऊं, क्विक डिसीजन नहीं लिए, किसको मारूं, कैसे मारूं, तो तुरंत क्या हो जाओगे, एलिमिनेट हो जाओगे। सो ऐसे केस में आप लोग है ना, वो लोग जो ऑनलाइन गेमिंग खेलते हैं ना, बेसिकली उनको बहुत ज्यादा लाइफ में ना, एक तो रिस्क लेने में डर नहीं लगता, और दूसरा वो जो जब भी कोई डिसीजन लेना होता है लाइफ में ना, तो वो बहुत ही क्विक डिसीजन लेते हैं। आउटडोर गेम्स अच्छे होते हैं, उतने ही आपके इंडोर गेम्स भी आपके ब्रेन को बूस्ट करते हैं। दैट्स ट्रू, इंक्रीज योर कॉग्निटिव स्किल्स, आपकी बहुत सारी कॉग्निटिव स्किल्स होती हैं, उसको ये ऑनलाइन गेम इंप्रूव करते हैं, जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। जो लोग ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं और जब वो जीतते हैं, है ना, अलग अलग स्टेज पे किसी चीज से बाहर निकल के आप लोग जीतते हो, बड़ा मजा आता है, आप विनर की तरह फील करते हो। और बेसिकली जब जब आप जीतते हो कोई स्टेज को, तो आपको बड़ा अच्छा लगता है और आप बहुत अच्छा फील करते हो, उससे आपकी एंजाइटी भी कम होती है। अपने दोस्त गए भाड़ में, मम्मी गए भाड़ में, पापा गए भाड़ में, दीदी गई भाड़ में, जिजाजी गए भाड़ में, भैया जी गए भाड़ में, अंकल जी गए भाड़ में, आंटी जी गई भाड़ में, हमें किसी से मतलब ही नहीं है, हम अपने गेम खेलने में लगे रहते हैं।